नमस्कार दोस्तों, 490 डे का केस लगेगा तो इसका मतलब आप मानेंगे कि दहेज का केस लगेगा, और दहेज का केस है तो इसे लड़ना भी जरूरी है। ये दोनों बातें जब आप लेकर चलते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है सामने वाली पार्टी के लिए कि आपसे बड़ा आराम से एक लंबा संघर्ष करवा सकते हैं, आपसे ही आपका हैरेसमेंट यानी कि शोषण करवा सकते हैं, आपको खुद को प्रताड़ित करवा सकते हैं आपसे ही। और इन सब का फायदा उठाते हैं झूठे केसेस में गलत केस करने वाले वकील। अब इसका रास्ता तो बहुत आसान है, पर मुसीबत यह है कि पहले समझेगा कौन कि 490 डे का असली मतलब क्या है। 490 डे का असली मतलब दहेज का केस है, दुनिया भी यही कहती है और सब ये मानते हैं। आज ये वीडियो ये बात बिल्कुल क्लियर कर देगा कि 490 डे का दहेज से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी में शामिल हैं और इतनी बड़ी गलती करके अपने केस को लड़ रहे हैं जिसमें आपको कभी केस लड़ना ही नहीं था, सीधा ख़त्म हो सकता था ये केस। मैं जितनी आसानी से बात को समझा रहा हूँ, ये वीडियो उतनी ही और विस्तार से इस बात को आसान कर देगा। इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमेशा एजुकेटेड रहें, और एजुकेटेड रहने के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं, और इन कोर्सेज में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ये आगे जब आप वीडियो देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल लीगल इंडिया चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। 498 डे को सब दहेज का केस करके फेमस करते हैं, नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है दहेज के केस से, क्योंकि आपको अक्सर ये सुनने को तो मिलता है पर आपने कभी गौर नहीं किया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो दहेज का केस है, उसके अंदर दहेज का केस रजिस्टर किया जाता है। 490 डे का दहेज से कोई लेना देना नहीं, तो ये बात क्लियर कर लीजिए। अब इससे आपको फायदा क्या होगा? आपके 490 डे केस में इससे आपको बेहतरीन फायदा होगा, क्योंकि जितना भी अक्सर ड्राफ्ट जो पत्नी करके लाती है झूठा, वो सारा दहेज के इर्द गिर्द होता है। उसके अंदर 323 भी लगा देती है, इसके अलावा आप पर दूसरे कई और धाराएं भी लगा देती हैं जिनके अंदर मारपिटाई की बात होती है। तो 490 डे का वहां होना कोई मतलब रखता ही नहीं। देखिए, 490 डे का रिलेशन सबसे पहले तो यह है कि क्रूअल्टी, किसी पर क्रूअल्टी की गई, पर मात्र क्रूअल्टी करने से भी बात तय नहीं होती। अब दहेज मांगने के लिए तो वैसे भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है, तो अगर पत्नी साबित कर सकती है तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में करे, पर हैरेसमेंट का एक पूरा पैकेज बनाया जाता है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी लगा दिया जाता है, 490 डे भी लगा दिया जाता है, 406 भी लगा दिया जाता है, 323 भी लगा देते हैं, और फलाना 376 370 जो मन में आए वो लगा देते हैं, सबूत किसी के नहीं लगते। और मजे की बात है कि आप बावले होकर जाकर कोर्टों में लड़ते हैं अपना केस बिना सूझे समझे। ये बकायदा कानून का दुरुपयोग करने की एक बेहतरीन दरिद्रता का नमूना है। मैं बहुत खुले शब्दों में कहता हूं कि जुडिशरी इस बात को कैसे प्रमोट कर पा रही है जो कि कानून संगत नहीं है। 490 डे सबसे लास्ट में लगने वाली एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो पति और उसके घर वालों के खिलाफ लगनी चाहिए, वो भी इस आधार पर कि क्रूरता हुई है या नहीं। ये कैसे डिसाइड होगा? दो तरह की क्रूरता 490 डे में कही गई है, एक मानसिक है और एक शारीरिक है। मानसिक जो है क्रूरता, उसको भी बकायदा, यही नहीं हर तरह के क्रिमिनल केसेस में बकायदा एक साइकेट्रिस्ट से बकायदा एक सर्टिफिकेट जारी होता है, जिसको जनरली MLC की तरह ही माना जाता है। वो एक साइकेट्रिक टेस्ट होता है जिसके अंदर आप जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसकी जांच करवा सकते हैं, और जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होगा वो मानसिक क्रूरता नहीं होगी। इसी तरह से कि आपके शरीर पर कहीं मारा गया, पीटा गया, आपके साथ किसी भी तरह की क्रूरता की गई, अगर वो क्रूरता वहां की गई है तो उसका कोई ना कोई ऐसा नमूना मिलेगा जो कहा जा रहा है वैसे। उसके लिए सिर्फ इतना नहीं मारते पीटते थे, कैसे मारा गया, कहां मारा गया, कौन सा स्थान था, घर का कौन सा स्थान था, वो सब चीजें वहां होनी चाहिए। क्रिमिनल केस है भाई, इसको बड़े कैजुअली लगा देती पुलिस। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, भूल जाइए आपकी बीवी ने आपके ऊपर 490 डे दिया, असल में आप पर 490 डे झूठी मक्कार पुलिस ने किया है। और इसका फायदा उठाते हुए कि हर व्यक्ति खाकी वर्दी से डरता है, खासतौर से एक शरीफ व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए अक्सर या तो केस में दंफन लगाता है, सेटिंग जुगाड़ लगाता है, और किसी तरह से उस केस से बाहर निकलने की कोशिश करता है।
सोचता है घर की बदनामी होगी, इज्जत उछलेगी, बहुत कुछ होगा, तो कोशिश इस तरह की होती है। तो एक तरीके के एक्सट्रॉर्शन के केसेस होते हैं जिनके अंदर कोई सिर पैर नहीं होता। तो ऐसे में जो आदमी जिम्मेदार है, कानून का जानकार है, वो है पुलिस। आपको तुरंत उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का केस खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी कह रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी, तो अर्णेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि 498 में पुलिस ने कितनी गलतियां आपके केसेस में की। आपको 40 घंटे का नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट फोन करके थाने बुला लिया, MLC नहीं करवाई है, जो कि बहुत कंपलसरी है 498, 376 और 377, यानी रेप, ओरल सेक्स और इस तरह की प्रॉपर्टी डिमांड की बात। तो 498 है क्या, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 498 एक ऐसा केस है जिसके अंदर वैल्यूबल असेट्स और प्रॉपर्टीज की डिमांड करने के लिए की गई मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी से रिलेटेड बात है। होगा ये किसी महिला रिश्तेदार के साथ जो शादी करके रह ली। अब ये सास जो है वो भी एक तरीके से इसी तरह से होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहू जो है घर की वो सास को प्रताड़ित कर रही होती है कि इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम करा दो, आपका जितना भी पैसा है सोना चांदी है वो मुझे दे दो, वरना मैं केस कर दूंगी। अगर आपके पास इस तरह के सबूत हैं तो आप इसके खिलाफ जा सकते हैं। ये सवाल अब आपको सेटिस्फाई करें, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो फिर मैं आपको संतुष्ट करता हूँ कि आप इस केस को खारिज कैसे करा सकते हैं, सिर्फ इस डिफ्रेंशिएशन से कि हाँ ये दहेज का केस नहीं है, ये बकायदा क्रूरता का केस है, तो इसमें दहेज का कोई लेना देना नहीं बनता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम इसी तरह की एजुकेशन के लिए कोर्सेज चलाते हैं। अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और उसके बाद इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि देखिए आपका जो केस होता है वो एक हर एक सिचुएशन में बार बार करवट चेंज करता है, तो हम उस हर सिचुएशन में आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनाकर देते हैं आपके केस की रिमांड के हिसाब से। कभी कभी वो सिचुएशन ऐसी भी होती है कि तुरंत सामने आ जाती है, तब भी आपको जैसी एक बैकअप की जरूरत पड़ती है, तो हमारी टीम आपको उस तरह के बैकअप के लिए हमेशा रेडी रखती है। और इसके अलावा आप यहाँ आकर अनुभव करेंगे कि आपसे पहले जितने लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन कर रखा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनके केसेस में अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि उन्हें अब क्या करना है, उनके केसेस को कैसे चलाना है। अब वो मजबूर और लाचार नहीं है, अब वो बहुत मजबूती से कॉन्फिडेंट होकर अपने केस को लड़ पा रहे हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर यहाँ पर डिटेल ले लीजिए, फिर बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 498 असल में है क्या। देखिए 498 जो है वो किसी भी तरह से दहेज से रिलेशन नहीं रखता है। ये एक मेंटल असॉल्ट का केस हो सकता है या फिर फिजिकली किसी तरह से किसी को एक्सटॉर्ट किया गया है उसकी बात हो सकती है, पर वहां पर क्रुएल्टी का होना जरूरी है। अगर किसी ने सिर्फ किसी को मारा ही है, ठीक है, पर डिमांड नहीं की किसी चीज की, तो 498 का केस नहीं लगा सकते, या डिमांड कर ली है और मारा नहीं है तो भी नहीं कर सकते। यहां तो दोनों ही गायब होते हैं अक्सर झूठे केसेस में। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुलिस को यहाँ पर आड़े हाथों लेना है कि आपने इन्वेस्टिगेशन में इन दोनों चीजों में से कुछ नहीं लिया। और सबसे अच्छी बात, आप अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कोई भी हो, कहीं भी हो, आप खुद तुरंत चेक कीजिए आपके केस के अंदर ना तो आपके बयान तरीके से लिए गए हैं, ना आपको जल्दी से पार्टी बनाया गया है, 40 घंटे का नोटिस या तो दिया नहीं गया और या फिर आपको थाने कॉल करके बुला के 40 घंटे का नोटिस साइन करा लिया, क्योंकि डाक से जाना चाहिए था। अगर आपके पास ऐसा नहीं हुआ है तो आपको बहुत फायदा है। इसके अलावा आपके अड़ोसी पड़ोसियों के बयान नहीं लिए, आपके घर आकर तफ्तीश नहीं की पुलिस ने, या फिर ज्यादा ज्यादा कहा होगा 2-3 जनों के आप हमें आधार कार्ड ला दो पड़ोसियों के, हम वो कर देंगे, आप कोर्ट में ये सारे बयान पुलिस के खिलाफ दे दीजिए। ये सारे कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो है बाकायदा पुलिस पे लगा के और हाई कोर्ट में सीधा केस लगेगा और तुरंत इसको आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को संदिग्ध बना दीजिए। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन संदिग्ध बन जाती है, जैसा कि अक्सर हाईकोर्ट का रवैया पुलिस वालों को लेकर हमेशा सख्त रहा है 498 के मैटर में, ये एक बहुत अच्छी खबर है। मतलब इसके अंदर चाहे 482 में एक बार आपको पसीना आ जाएगा मगर इसमें नहीं आएगा। पुलिस ने अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी और उसके अंदर आप जैसी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन वहाँ दिखती है, तो फिर आपको इस केस से जल्दी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फेलियर आपको जल्दी बाहर निकाल सकता है बजाय इसकी आप 482 में जाते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है कि आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, कैसे 498 के इस एडवांटेज को लेना है। और वहां पर एक डिफरेंशिएशन हमेशा कोर्ट में रखिए कि साहब अगर दहेज का केस था तो दहेज के केस में लगा हुआ है ना केस हम पे, 498 लगाने के कोई सबूत भी नहीं है, 498 हीनेस क्राइम से रिलेटेड है, उसमें मारपिटाई होना जरूरी है,
उसमें क्रूरता होना जरूरी है और डिमांड के लिए होना जरूरी है। तो इतना सारा इसको बनाया गया है कि अगर इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने बैठे पुलिस तो कभी ऐसे केसेस लग ही नहीं सकते पति और उसके घर वालों पे। पर आपकी कम नॉलेज होने की वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से, आपको गलत तरीके से चार्जशीटेड करके कोर्ट के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि आप दबाव महसूस करें और लड़की वालों से तुरंत सेटलमेंट करें। जो पैसा लड़की ले वो कुछ हद तक इधर उधर बट भी जाए तो जिन लोगों को चाहिए इसीलिए वो झूठे केसेस करवाते हैं। मोटा मोटी बात यह है कि आप अगर इस फर्क को समझ गए हैं तो रिजल्ट आप तेजी से निकाल पाएंगे केस किसी भी स्टेज पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।